दस्ते में बीएसएफ की महिला पर्सनल होंगी तैनात। राजस्थान के इतिहास और सांस्कृतिक तत्वों को वर्दी में किया शामिल। 1976 से शुरू हुआ सिलसिला आज भी चल रहा है। देश में सीमा सुरक्षा बल का पहला ऊंट सवार महिला दस्ता आगामी गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार पुरुष ऊंट दस्ते के साथ राजपथ की परेड में हिस्सा लेगा। इस बीएसएफ विमेन कैमल कॉन्टिजेंट को राजस्थान फ्रंटियर के ट्रेनिंग सेंटर और बीकानेर सेक्टर ने तैयार किया है। ये दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता है। महिला ऊंट सवार दस्ते की ड्रेस डिजाइनिंग भी अद्भुत और खास तरीके की है। इसे खास तौर पर विख्यात डिजाइनर रघुवेंद्र राठौर ने तैयार किया है। बीएसएफ का ये महिला ऊंट सवार दस्ता आकर्षक और ग्लोरियस राजसी पोशाकों के साथ पहली बार आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को नई दिल्ली में होने वाले परेड में हिस्सा लेगा। इस महिला ऊंट दस्ते में 20 से ज्यादा बीएसएफ की महिला पर्सनल सवार होंगी। गौरतलब है कि इस महिला ऊंट दस्ते ने हाल ही में पहली बार अमृतसर में हुए बीएसएफ की रेंजिंग डे परेड में हिस्सा लिया था। इन दिनों राजपथ में ये पुरुषों की कॉन्टिजेंट के साथ मिलकर रिहर्सल कर रही हैं। डिजाइनर राघवेंद्र राठौर की बनाई गई महिला प्रहारियों की वर्दी भारत के कई कीमती शिल्प रूपों का प्रतिनिधित्व करती है जो देश के विभिन्न हिस्सों में तैयार की जाती है। इन्हें राघवेंद्र राठौर जोधपुर स्टूडियो में इन हाउस असेंबल किया जाता है। बीएसएफ कैमल कॉन्टिजेंट ब्रांड के लिए महिला प्रहारियों की वर्दी के डिजाइन में राजस्थान के इतिहास के प्राचीन और सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया गया है। बीएसएफ महिलाओं के लिए पोशाक बनाते समय कार्य क्षमता के साथ साथ राष्ट्रीय बलों की वर्दी पहनने का विशेषाधिकार और सम्मान झलकता है। ये जोधपुरी बंदगला स्टाइल के साथ बेहतरीन नजारा पेश कर रहा है। बनारस के विभिन्न ट्रिम्स के लिए हाथ से तैयार किए गए जरदोजी के काम भी बनावट वाले कपड़े को 400 साल पुरानी डंका तकनीकी में बनाया गया है। वर्दी को आकर्षक पाक पगड़ी के साथ स्टाइल किया गया है। एक पगड़ी जो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के विरासत पाक से प्रेरित है। पाक राजस्थान के लोगों के सांस्कृतिक पहनावे का एक अनिवार्य तत्व है। मेवाड़ में ये पहना और बांधा जाता है और ये किसी की प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक है। गौरतलब है कि राजस्थान और गुजरात के रेतीले धोरों के साथ विषम भौगोलिक परिस्थितियों में बीएसएफ के जवानों का ऊंट एक अभिन्न साथी है और बीएसएफ की स्थापना दिवस परेड पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति देता है। यह सिलसिला 1976 से शुरू हुआ था जो आज भी चल रहा है। बीएसएफ कैमल कॉन्टिजेंट ब्रांड के लिए महिला प्रहारियों की वर्दी के डिजाइन में राजस्थान के इतिहास के प्राचीन और सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया गया है। बीएसएफ महिलाओं के लिए पोशाक बनाते समय कार्य क्षमता के साथ साथ राष्ट्रीय बलों की वर्दी पहनने का विशेषाधिकार और सम्मान झलकता है। ये जोधपुरी बंद गला स्टाइल के साथ साथ बेहतरीन नजारा पेश कर रहा है। बनारस के विभिन्न ट्रिम्स के लिए हाथ से तैयार किए गए जरदोजी के काम की बनावट वाले कपड़े को 400 साल पुरानी डंका तकनीक में बनाया गया है। वर्दी को आकर्षक पाक पगड़ी के साथ स्टाइल किया गया है। एक पगड़ी जो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के विरासत पाक से प्रेरित है। पाक राजस्थान के लोगों के सांस्कृतिक पहनावे का एक अनिवार्य तत्व है। मेवाड़ में ये पहना और बांधा जाता है और ये किसी की प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रतीक है।